हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आप पीएसए या फिर सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड बनाने के काम करते हो और आप जब नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हो या फिर संशोधन करते हो किसी का पैन कार्ड का, तब आपका वो वाला एप्लीकेशन किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करने के कारण या फिर रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कारण अंडर ऑब्जेक्शन में चला जाता है और आप वो वाला एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये वाला एप्लीकेशन जो अंडर ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है, इसका रिफंड मुझे मिल जाए। क्या पीएसए या सीएससी के माध्यम से किया गया पैन कार्ड का एप्लीकेशन अगर ऑब्जेक्शन में चला जाता है तो क्या इसका रिफंड आपको मिल सकता है या नहीं? सो फ्रेंड, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सारे संशोधन का है और मेरे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसा भी है जो नए पैन कार्ड का एप्लीकेशन है। आप अभी स्क्रीन पे ये जो अंडर ऑब्जेक्शन वाला लिस्ट देख सकते हो, ये न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन का लिस्ट पड़ा हुआ है अंडर ऑब्जेक्शन में, क्योंकि इन सारे एप्लीकेंट का पहले ही पैन कार्ड बन चुका है, इसलिए इन सारे एप्लीकेशन को आगे मैं प्रोसीड करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे इसका रिफंड मिले। सो फ्रेंड, आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पैन कार्ड अंडर ऑब्जेक्शन में चला जाता है और वो वाला एप्लीकेशन आप आगे प्रोसीड करना नहीं चाहते हो तो क्या उसका रिफंड आपको मिलेगा या नहीं। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ मेरा जो न्यू एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है, इसे मैं आगे और प्रोसीड ना करूँ, मुझे इसका रिफंड मिल जाए। सो फ्रेंड, इस टॉपिक पर मैंने यूटीआई के हेड ऑफिस पे जो मेल आईडी दिया हुआ है उस पर एक मेल किया था। फर्स्ट मैं आपको वो मेल दिखा देता हूँ जो मैंने किया था यूटीआई में। आप अभी स्क्रीन पे ये जो ईमेल देख सकते हो, यही ईमेल मैंने यूटीआई को किया था। यूटीआई से मैंने पूछा था कि मेरे जो ये सारे एप्लीकेशन किया है, इन सारे एप्लीकेंट का पैन कार्ड पहले से है और मैं इसे आगे प्रोसीड नहीं करना चाहता हूँ, क्या मुझे इसका रिफंड मिलेगा। साथ में मैंने स्क्रीनशॉट और वो एप्लीकेशन नंबर दे दिया था। ये ईमेल करने के कुछ ही घंटे बाद यूटीआई की तरफ से रिप्लाई आ गया था ईमेल के द्वारा, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जो ईमेल किया था उसके रिप्लाई में जो मेल किया था यूटीआई की तरफ से, वो वाला मेल ए स्क्रीन पे आपके सामने अभी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैन प्रोसेसिंग कूपन नंबर दिया हुआ है। मैंने जो मेल किया था, जो एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर दिया था, वो सारे एप्लीकेशन नंबर इधर लिखा हुआ है और उसके नीचे वाले लाइन पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएसए सीएससी और वैली यानी सीएससी वैली। अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो वो अगर प्रोसेस में जाता है तो आप उसे कैंसिलेशन या उसको रिफंड नहीं ले सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपका न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन या पैन कार्ड करेक्शन दोनों ही अगर आपका अंडर ऑब्जेक्शन में चला जाता है तो आपको उसे क्लियर करना होता है, आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा या आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई पैन कार्ड अंडर ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है और आप चाहते हो ईडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा किसी एप्लीकेंट का डिटेल्स उधर फिल कर दोगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड में पैन कार्ड नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते हो, वो वाला एप्लीकेशन में ही रह जाता है। सो फ्रेंड, अगर आपका कोई पैन कार्ड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन में रह जाता है और आप उसे क्लियर करना नहीं चाहते हो तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड, फिर भी अगर फ्यूचर में इस पर कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।